एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल दो बहुत ही खास और झटपट बनने वाली मिठाई जिन्हें आप बस 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कलाकंद को बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने सबसे पहले 200 ग्राम के करीब पनीर। ये होममेड पनीर है। पनीर के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम कंडेंस मिल्क डाला है। जनरली 400 ग्राम का एक टिन रहता है तो हाफ टिन यहाँ पर मैंने यूज किया है। पनीर और कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी इक्वल है। और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1.5 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इस कलाकंद को बहुत ही अच्छा टेक्सचर देगा और जो एक दानेदार वाला टेक्सचर होता है वो मिल्क पाउडर से ही आएगा। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को रखेंगे एकदम लो पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप पनीर को ग्रेट करके डाल देंगे तो आपका ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे मिक्स करने के लिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली इसे स्टर करते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग भी सकता है। इनिशियली जब आप इसे स्टर करेंगे तो ये काफी गाढ़ा हो जाएगा और धीरे धीरे लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। इस मिक्सचर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये अपनी साइड्स ना छोड़ दे और इजीली पैन पे मूव ना होने लगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है और इसने पैन को भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बस इतना ही इसे हमें पकाना है। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब इसे बर्फी की तरह सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक स्क्वायर बॉक्स और उसमें नीचे पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। आप चाहे तो एल्यूमिनियम फॉइल या क्लिंग रैप कुछ भी लगा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि डीमोल्ड हमारी बर्फी आसानी से हो जाए। अब इस बॉक्स में मैं डाल दूंगी जो हमने कलाकंद का मिक्सचर तैयार करके रखा था उसे, और इसे एक स्पैचुला या स्पून की मदद से हम हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे और चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे ताकि जो कलाकंद की बर्फी बने हमारी वो एकदम स्मूथ बने और इवन बने। कलाकंद का मिक्सचर हमारे बॉक्स में अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ते के फ्लेक्स। पिस्ता मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि वो ग्रीन और येलो कलर इस कलाकंद की बर्फी के ऊपर बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहे तो अपने मनपसंद का कोई भी दूसरा ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इन पिस्ते के फ्लेक्स को फैलाने के बाद इसे हम एक स्पैचुला या स्पून की मदद से हल्के हाथ से दबा देंगे, प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छी तरह से बर्फी में सेट हो जाए। और इसे हम रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा जल्दी हो तो आप 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये बर्फी बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दिया था और 1 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। आप देख सकते हैं हमने जो पार्चमेंट पेपर लगाया था उसके कारण ये आसानी से डीमोल्ड हो गया है और अब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ। इस फेस्टिव सीजन में 5 मिनट में बनने वाली इस कलाकंद की बर्फी को जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये आपको कैसे लगी। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉन स्टिक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब ड्राई कोकोनट पाउडर जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। अब इस कोकोनट पाउडर को हमें बिना घी या बिना तेल के सूखा ही थोड़ा सा रोस्ट करना है। करीब 1 मिनट तक हम इसे एकदम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा पिंकिश कलर आ गया है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। बस हमें इतना ही रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इस ड्राई कोकोनट पाउडर को मैंने निकाल लिया एक बोल में। इसे और चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब कोको पाउडर। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 100 ml के करीब कंडेंस मिल्क और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून के करीब न्यूटेला। अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक डो के फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पर इन कोकोनट लड्डुओं को मैंने न्यूटेला का फ्लेवर दिया है। आप चाहे तो इसमें पीनट बटर भी डाल सकते हैं या मिक्स फ्रूट जैम भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। या कोई फ्लेवर नहीं डालना हो तो आप सिंपल इसमें रोज एसेंस डाल के थोड़ा सा रेड कलर डाल दीजिए तो वो रोज फ्लेवर कोकोनट लड्डू बनके भी तैयार हो जाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं।
डो हमारा तैयार है। अभी इस डो से हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। डो आपका बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। और अगर आपका डो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है तो आप उसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, तो वो गाढ़ा हो जाएगा, फिर लड्डू आराम से आप बना सकते हैं। धीरे धीरे करके हम इसके सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसकी बर्फी भी बनाना चाहे तो बर्फी भी बना सकते हैं। ये रेसिपी इतनी आसान है कि बस 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और आपको बहुत सारी प्री प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है। इन लड्डुओं को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं जो वही ड्राई कोकोनट पाउडर था उसी में इसे अच्छी तरह से रोल कर रही हूँ ताकि ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगे। और 5 मिनट में न्यूटेला फ्लेवर के कोकोनट लड्डू हमारे बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। अर्बन रसोई को सब्सक्राइब करने के साथ ही उसके पास में एक घंटी है, उसे जरूर से बजाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।